नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू हो जाएगा छठ व्रती का 36 घंटे का उपवास। रेलवे ने छठ के लिए शुरू की 6 और पूजा स्पेशल ट्रेन। बिहार के विश्वविद्यालयों में CBSE पैटर्न होगा लागू। धान खरीद के बिचौलियागिरी पर CM नीतीश सख्त। GST में व्यापारी और उद्योगपतियों को बड़ी राहत। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से शुरू हो जाएगा छठ व्रती का 36 घंटे का उपवास। महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज से खरना पूजन के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाम 5:25 के बाद पटना में सूर्यास्त हो रहा है, इसके बाद खरना किया जा सकता है। शाम 5:38 से शाम 7:15 तक लाभ का चौघरिया होने के कारण खरना के लिए अमृत कारक योग बन रहा है। इस मुहूर्त में खरना लाभदायी होगा। आज शाम को व्रतियां प्रसाद खाएंगे और उसके बाद 31 अक्टूबर यानी परसों सुबह का अर्घ देने के बाद ही व्रतियां जल भी ग्रहण करेंगी। रेलवे ने छठ के लिए शुरू की 6 और पूजा स्पेशल ट्रेन। छठ महापर्व को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए पूर्व में सूचित 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों के अलावा और 6 पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है। बता दें कि इन ट्रेनों का परिचालन इसलिए किया जा रहा है ताकि विभिन्न शहरों से बिहार आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है उनमें गाड़ी संख्या 09817 कोटा दानापुर छठा स्पेशल, गाड़ी संख्या 09818 दानापुर कोटा छठा स्पेशल, गाड़ी संख्या 06549 यशवंतपुर दानापुर छठा स्पेशल, गाड़ी संख्या 06550 दानापुर यशवंतपुर छठा स्पेशल, गाड़ी संख्या 05553 सहरसा अमृतसर अनारक्षित छठा स्पेशल और गाड़ी संख्या 04074 दिल्ली दरभंगा छठा स्पेशल शामिल हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में CBSE पैटर्न होगा लागू। बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अगले सत्र से स्नातक के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में CBSE यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। सिलेबस बदलने की जिम्मेदारी राजभवन के कंधे पर है, जो कुलपतियों की कमेटी बनाकर सिलेबस बदलने का काम पूरा करेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह सिलेबस पटना विश्वविद्यालय की तर्ज पर होगा। बिहार राज्य में इस सिस्टम के लागू होने से राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के छात्रों की स्वीकार्यता बढ़ेगी, साथ ही साथ छात्र छात्राओं को नई शिक्षा नीति के तहत फायदा भी मिलेगा। धान खरीद के बिचौलियागिरी पर CM नीतीश सख्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान खरीद में बिचौलियों और गड़बड़ी करने वालों को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धान खरीद कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। बता दें कि नीतीश कुमार के द्वारा यह निर्देश एक अन्य मार्ग में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में शुरू की जा रही धान खरीद को लेकर समीक्षा बैठक में दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि कृषि विभाग जिलावार धान उत्पादन के आंकड़ों की सटीक सूचना उपलब्ध कराए ताकि हर जिले के लिए धान की खरीद का लक्ष्य तय किया जा सके। पैदल घाट तक जाने के लिए की गई व्यवस्था। पटना के मरीन ड्राइव पर छठव्रती कई रास्तों से जा सकते हैं। बता दें कि मरीन ड्राइव से सटे घाट 83, 88 और 93 पर छठ पर्व करने की तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है। मरीन ड्राइव पर छठव्रती की सुरक्षा को देखते हुए लोहे से बनाए गए क्रैश बैरियर को 14 जगहों पर हटा दिया गया है ताकि छठव्रतियों को घाट पर व उनके वाहनों को घाट के समीप बने पार्किंग स्थल तक पहुंचाया जा सके और वे पैदल मरीन ड्राइव को पार करते हुए नीचे उतरकर घाट की ओर जा सके। बता दें कि गंगा किनारे घाटों पर निगरानी रखने के लिए JP सेतु गोलंबर पर और दूसरा लॉ कॉलेज घाट पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। GST में व्यापारी और उद्योगपतियों को बड़ी राहत। बिहार राज्य कर विभाग की ओर से वर्ष 2021-22 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने में चूक गए GST में पंजीकृत व्यवसायियों को एक और मौका देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ 20 नवंबर तक बिना किसी पेनल्टी और ब्याज के 20 से 30 नवंबर तक पेनल्टी और ब्याज देकर ले सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा व्यापारियों को बड़ी राहत देने के लिए GST के टैक्स फाइलिंग को करने से लेकर छूट देने तक की कवायद शामिल की गई है। बिहार का एक अनूठा गांव। बिहार का मोरवा प्रखंड के ररियाही पंचायत के रघुनाथपुर गांव की गिनती अनूठा गांव में की जाती है। यह महिलाओं की जगह उनके पति छठ व्रत करते हैं। बता दें कि रघुनाथपुर गांव में तकरीबन 1000 पुरुष छठ करते हैं, वहीं इस बार करीब 1 दर्जन युवक पहली बार छठ करेंगे। पुरुषों के छठ करने की परंपरा कब शुरू हुई यह किसी को स्मरण नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी अनेक कहानियां है, जिसमें से कुछ का कहना है कि छठ पूजा के लिए गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर
जरूर जाना होता था। तो कुछ का कहना है कि यहाँ के बुजुर्गों को महिलाओं का घर से निकलकर सार्वजनिक जगहों पर जाना पसंद नहीं था, इसलिए उनकी जगह पतियों को छठ करने की जिम्मेदारी दी गई। रोजगार पर जल्द कुछ बड़ा ऐलान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीते दिन शुक्रवार को गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के दौरान आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के समर्थन में आयोजित रैली में कहा कि राज्य में जल्द ही नौकरी और रोजगार को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के लोगों को 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है, वे पिछले चुनाव में मेरे वादे से दोगुना है। महागठबंधन सरकार इसे पूरा करेगी। बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को रैली में तेजस्वी के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। ये सभी नेता मोहन प्रसाद गुप्ता को समर्थन देने पहुंचे थे, जो कि विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। प्रशांत किशोर ने सरकार पर साधा निशाना। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के 27वें दिन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार के 100% लोग कहते हैं कि बिहार में एक बेहतर विकल्प बनना चाहिए। आज के समय बिहार में जिन पार्टियों और नेताओं को यहां वोट मिल रहा है, उसकी वजह से विकल्प का नहीं होना। प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत योजना में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ बिना पैसे के किसी को योजना का लाभ नहीं मिलता। सैकड़ों लोगों ने मुझसे बिजली की शिकायत की। उन्होंने कहा कि शायद ही यहां कोई स्कूल ऐसा हो जहां बच्चे, शिक्षक और भवन तीनों मौजूद हो। बक्सर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 7 से 15 नवंबर तक होने वाले संत सम्मेलन में शामिल होने बक्सर आएंगे। केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बक्सर में राम कर्मभूमि न्यास और सनातन संस्कृति रामराज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 7 नवंबर से शुरू है। वहीं 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश और दुनिया के महान संत शामिल होंगे। इस दौरान वृंदावन वासी जगत गुरु स्वामी अनंताजी महाराज के द्वारा भागवत कथा होगा, साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा होगी। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नवंबर में बिहार के बक्सर आएंगे। सुशील कुमार मोदी ने एसओपी लागू करने की मांग। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रोहतास जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मृत्यु से पूर्व शराबबंदी लागू करने में नीतीश सरकार की विफलता फिर उजागर हुई है और अब प्रशासन अज्ञात बीमारी की कहानी गढ़ रहा है। मोदी ने कहा कि जहरीली शराब पीने वालों का इलाज करने के लिए सरकार को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मानक चिकित्सा प्रक्रिया यानी कि एसओपी तुरंत लागू करनी चाहिए। छठ का प्रसाद बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट। बिहार के औरंगाबाद जिले में छठ का प्रसाद बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें 30 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। इस घटना में जख्मी होने वाले में पुलिस वाले भी शामिल हैं। घटना के बाद आनंद फानंद में सभी जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल हुए 30 लोगों में 25 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताते चले कि यह घटना नगर थाना के साहेबगंज मोहल्ले की है, जहाँ प्रसाद बनाने के दौरान शनिवार यानी कि आज सुबह 3 बजे यह घटना घटित हुई। टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगेगा पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान को भारत और जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद टूर्नामेंट में आगे का सफर काफी मुश्किल होने वाला है। वहीं सुपर 12 राउंड में पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने हैं, जिसमें उन्हें जीत हासिल करनी होगी। इसके बाद भी पाकिस्तान चाहेगी कि साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे अपने 3 में से 2 मैच हार जाए। यदि साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे यह मैच जीत लिए तो पाकिस्तान दोनों को अंक तालिका में पीछे नहीं छोड़ सकता है। इस समय पाकिस्तान फैंस चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत जीत दर्ज करे। बिहार में आज पेट्रोल डीजल का रेट। छठ महापर्व के मौके पर आज यानी शनिवार को बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। आज बिहार के 23 जिलों में तेल के दाम घटा दिए गए हैं, तो वहीं 12 जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। राजधानी पटना के में पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे और डीजल में 22 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गोपालगंज, गया, भोजपुर, दरभंगा, बेगूसराय, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, मोतिहारी, बक्सर, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय समेत 23 शहरों में पेट्रोल डीजल आज कल की तुलना में सस्ता मिल रहा है। वहीं भागलपुर, बांका, अररिया, नवादा, मधेपुरा, मधुबनी, रोहतास, सहरसा, सिवान, शेखपुरा, सुपौल और वैशाली में तेल के दाम बढ़ गए हैं। सबसे ज़्यादा बढ़त रोहतास में की गई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 41 पैसे और डीजल के दाम में 39 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, राकेश शर्मा, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, कुलदीप कुमार, रविशंकर, मृत्युंजय कुमार, अखिलेश यादव, अहमद रुशदी, अनवर करीम खान, विकास गुप्ता, विनोद कुमार यादव, नुनू कुमार और कविता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार रेलवे द्वारा जो स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन चलाए जा रहे हैं
उनसे लोगों को फायदा मिल पा रहा है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।